देखना बोर्ड पे क्वेश्चन, लास्ट क्लास में कितने टॉपिक कर लिए थे हमने, एडवांस और एरियर वाला टॉपिक चल रहा है, और अभी भी हम काफी टाइम तक इसको लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ जाए ना तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं। मेन दिक्कत होता है इसी में। तो हम बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा है, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख। आपको अच्छे से पता है कि भाई ऑथराइज कैपिटल का तो कोई रोल होता ही नहीं क्वेश्चन में। इसके बाद इशूड कैपिटल 10,000 एंड एप्लीकेशन रिसीव 30,000। 10 रुपए का शेयर है, इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं डाला, ठीक है ना। पहले जितने भी क्वेश्चन के सिक्योरिटी प्रीमियम आता था इसमें नहीं डाला। 10 रुपए का शेयर है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है 10 रुपए का एक हमारा शेयर है और 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए, इस कैटेगरी के हिसाब से मैंने अलॉटमेंट बनाया, अप्लाई और अलॉटेड ये मैंने बना दिया है, जो कि एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। अब इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर मैंने लिखा कि एक यहां पे अलॉटमेंट पे एक पर्सन, मान लेते हैं इसका नाम राम है, वो फेल हो गया, फेल टू पे अलॉटमेंट पे, और राम हु होल्ड या हु अप्लाई कर देते हैं, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट आज कर लेंगे हम। हु अप्लाई 100 शेयर, बिल्कुल बोर्ड प्रॉपर टाइमिंग दूंगा मैं नोटिंग करने के लिए, ठीक है। राम हु अप्लाई 100 शेयर और फेल हो गया, जो कि बिलोंग करता है हमारा, बिलोंग का मतलब वो किससे रिलेटेड है, कैटेगरी नंबर भी डाल देते हैं, 1, 2, 3 और 4, तीसरे से रिलेटेड है। यहां पे एक पर्सन, इसका नाम मान लेते हैं मोहन, अगेन ही इज फेल, और मोहन जो फेल हुआ है और वो फेल हुआ है हमारा कितने, इसने 100 शेयर देने में, जो कि बिलोंग करता है 100 शेयर, जो कि बिलोंग करता है कैटेगरी नंबर फर्स्ट से। एक अनदर शेयर और है हमारे यहां, एक और शेयर होल्डर जो होल्ड करता है, सपोज करो आपका 200 शेयर, 200 शेयर वो फेल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से गिवन होगा, यहां तो मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, वो रिटन फॉर्म में गिवन होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए, प्लानिंग तो करना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, क्या क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले इसका तो फुल है, कोई टेंशन नहीं है, इसका निल है, इसका भी हमें कुछ नहीं ज्यादा सोचना, चिंता की बात नहीं है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी 50% से तो ज्यादा नहीं है। तो मैंने बताया था जब 50% से ज्यादा का गैप आ जाता है तो नॉर्मली पैसा ज्यादा दूर तक चला जाता है, तो मैं इसका मान सकता हूं कि इसका पैसा एडवांस यहीं तक होगा, फर्स्ट कॉल पे इसका एडवांस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कम है, लेकिन यहां पे डिफरेंस देखो ज्यादा है बहुत, तो इसका एडवांस पैसा यहां तक नहीं जाएगा बल्कि इसके आगे भी जाएगा, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। अगर ये नहीं सोच पा रहे आप तो आपका फिर आंसर दिक्कत देगा। यानी सिंपल सा है कि इसका पैसा डिफरेंस कम है तो इसका मतलब एडवांस कहां तक जाएगा, अलॉटमेंट तक, और इसके अंदर 50% से ज्यादा डिफरेंस है तो एडवांस कहां चले जाएगा, आगे तक जाएगा। एक बार मन की तसल्ली के लिए आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जजमेंट लेना है और फटाफट क्विकली आंसर देना है। तो यहां पे मैं एक बार मन की तसल्ली के लिए मैं कैटेगरी नंबर एक बार 3 का कैलकुलेशन कर लेता हूं। कैटेगरी नंबर 3 का कैलकुलेशन इसका देखते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव, और टोटल अमाउंट रिसीव देखा जाए तो क्या है हमारा, आपका टोटल 20,000 आएगा, कैसे, 10,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई,
20,000। आगे कंटिन्यू में देखें इसका एडजस्ट कितना हो सकता है, एडजस्टमेंट अगर करूं मैं इसका ऑन एप्लीकेशन तो इसको तो 7,000 ही मिले हैं। इसका मतलब 7,000 × 2 इसके 14,000 कट सकता है, तब भी इसका एडवांस बच जाता है, एडवांस बच जाता है 6,000। अब कंसर्न ये है कि 6,000 कहां जाए, मैंने क्वेश्चन में बोल दिया सपोज करो एडजस्ट करना अलॉटमेंट पे, तो अगर मैं इससे कॉल करता हूं अलॉटमेंट तो मैं इससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांग सकता हूं। मैं बोलूंगा भाई 7,000 शेयर हैं आपके पास और आप मुझे 3 रुपए के हिसाब से 21,000 दे दें, तो इसका मतलब ये अलॉटमेंट का एडवांस नहीं दे पाएगा, इनफैक्ट अलॉटमेंट पे कुछ पैसे भी लाएगा, ये सिचुएशन रहा है। तो पहले भी देखो डिफरेंस देख के अंदाजा क्या लगाया था कि भाई इसका पैसा तो अलॉटमेंट के आगे नहीं जाएगा, और देखो कैलकुलेशन करने के बाद भी वही नजर आया, लेकिन इसका हम बोल रहे हैं कि उससे आगे जा सकता है। इसका भी देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, चलो मैं कर लेता हूं यहां पे कैलकुलेशन कैटेगरी नंबर 4 के लिए। टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव कितने किए हमने, हमने टोटल अमाउंट रिसीव किया 9,000 × 2 18,000। अगर मैं एडजस्ट करूं इसको, एडजस्टमेंट ऑन एप्लीकेशन तो 2,000 ही दिए हैं, तो 2,000 के हिसाब से 2,000 × 2 4,000, यानी इसका अभी भी एडवांस बच गया है, एडवांस बच गया है, एडवांस बच गया हमारा 14,000। क्लियर। अब चलो एक बार अलॉटमेंट मांग लेते हैं, इससे करते हैं कॉल ऑन अलॉटमेंट। मैंने बोला भाई अलॉटमेंट के पैसे आपसे मांगे जाएंगे 2,000 × 3 6,000। मींस क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि यहां पे 8,000 रुपए और बच गए हैं, जिसको मुझे कहां ले जाना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा एडजस्ट करना है कंटिन्यू, ठीक है, फर्स्ट कॉल। तो मैं अगर इससे कॉल करता हूं फर्स्ट कॉल पे, अगर मैं कॉल करता हूं तो अगर मैं फर्स्ट कॉल पे कॉल करूं, अगर मैं फर्स्ट कॉल पे कॉल करता हूं तो क्या आएगा हमारा 2,000 × 5 10,000। इसका मतलब ध्यान से देखना, मैं कुछ बातें बताऊंगा, इसका मतलब ये फाइनल कॉल का सारा पैसा नहीं दे पाया, फाइनल कॉल में से कुछ कम ही पैसे दे पाया है। यहां तक क्लियर है ना आपको फाइनल कॉल का। लेकिन मान लो ये एडवांस 18,000 होता तो क्या होता है, इसके बाद हम फाइनल कॉल भी पूरा पैसा रिसीव करते, फिर भी बचता हमारे पास कितना बचता, उस 8,000 को क्या हम रख सकते हैं, नहीं, उसको क्या करना पड़ता, रिफंड। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बन जाता, क्वेश्चन में नहीं बोला फिर भी उसका पैसा रिफंड करना, तो हमें सारी बातों को सोचना है क्वेश्चन में, इससे आसान चैप्टर तो है ही नहीं कोई भी आपके बुक में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अब यहां पे हमें पता चल गया, यानी ये दो कैलकुलेशन हमें इंश्योर कर देता है, हमें ये दोनों क्वेश्चन, दो एडजस्टमेंट, हमें एक एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि इसका पैसा यहां पे एडवांस है और इसका पैसा एडवांस यहां पे पूरा देता है और यहां पे चला गया आगे, ठीक है। अब एग्जामिनर देखो कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें होती है जो कि बताई नहीं जाती, लेकिन क्वेश्चन बताता है फिर भी, समझ में नहीं आया बताई नहीं जा रही तो कैसे बताएगा। सपोज करो मैं बोल दूं कि मिस्टर राम यहां से बिलोंग करता है और उसके पास 1,000 शेयर है, सपोज करो मिस्टर राम यहां से बिलोंग करता है, उसके ऊपर 1,000 शेयर है। मैं लिखता यहां पे मिस्टर राम हु बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 4 हु होल्ड 1,000 शेयर। मिस्टर राम जो है वो हमारे चौथे आपके कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके पास 1,000 शेयर है, वो फेल हो गया पैसे देने में। आपका एक क्वेश्चन जरूर रेज होगा कि सर फेल तो हो गया लेकिन कहां फेल हुआ ये बताएं, ये रेज होगा, और इस रेज के करोगे और टीचर से भी पूछोगे, कहीं ना कहीं पूछोगे और आपस में डिस्कशन भी हो जाएगा, अरे ये क्वेश्चन तो मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें तो बताया ही नहीं कि अलॉटमेंट नहीं दे रहा या फिर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं दे रहा, यही है यहां पे आप सबके बीच में माइंड में। लेकिन ध्यान से सोचो क्या ये व्यक्ति अलॉटमेंट पे फेल हो सकता है,
हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका क्या है, एडवांस है। तो क्या एग्जामिनर ने कोई गलती करी क्वेश्चन में? नहीं करी। आपके अंदर वो समझदारी होनी चाहिए कि भाई ये जब अलॉटमेंट पे फेल हो ही नहीं सकता तो बट ऑब्वियस है कि कहाँ फेल होगा, ये फाइनल कॉल पे इस अलॉटमेंट। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर तरीके से एग्जाम के अंदर प्रिपेयर होना है और माइंड से बहुत स्पीड में सोचना है। तो ये दो वर्किंग नोट हमें पक्का कर देता है। चलो अब इस वर्किंग नोट के हिसाब से अब मैं एक छोटी से क्वेश्चन और पूछता हूं करने से पहले। ये फेल हुआ अलॉटमेंट पे, क्या इसका अप्लाई अलॉटेड और वो जो वर्किंग नोट करते थे करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए? किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? इसका एडवांस यहां पे है या नहीं है? है तो इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसकी इसकी बात करते हैं। ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी से। क्या इसका कुछ पैसा एडवांस है? नहीं है। इसका करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करता है? कैटेगरी नंबर मैंने बताया यहां पे, कैटेगरी नंबर मैंने यहां नहीं मिटा दिया मैंने, ये लो कैटेगरी नंबर किससे बिलोंग करता है? फोर से बिलोंग करता है। और कहां फेल हुआ? ये फाइनल कॉल पे फेल हुआ। क्या कैटेगरी नंबर फोर का पैसा फाइनल कॉल पे जा रहा है, एडवांस जा रहा है, तो इसका क्या वर्किंग नोट बनाएंगे? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अलॉटमेंट पे अगर प्रोराटा बेसिस का क्वेश्चन आया तो अलॉटमेंट पे फेल हुआ तो करना ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, फाइनल कॉल पे भी हो सकता है। कंडीशन क्या है इसका? कंडीशन ये है कि जहां के लिए एडवांस था अगर वहीं फेल हो रहा है तब हमें कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, ये कंडीशन है ना हमारा। तो इसका मतलब अब देखो मैं एंट्री करने जा रहा हूं, पहली एंट्री करूंगा मैं बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। अमाउंट कितना करें? कितना करें? 30,000 मल्टीप्लाई दो 60,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एडवांस भी और बैंक से वापस भी है, टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, चलिए देखते हैं। यहां तो आ जाएगा 60,000, इसके अंदर कितना आएगा? इसके अंदर तो मेरे पास 10,000 देने का ही है, 20,000। बैंक से कितने रिफंड करेंगे? 10,000 इंटू में टू 20,000। अब बात करते हैं एडवांस अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे देखो, एक तो इस वाले कैटेगरी का सिर्फ 6,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडवांस गया है, इस वाले का कितना एडवांस है? इस वाले का एडवांस भी हमारा 6,000 है, क्योंकि इसका एडवांस तो वैसे 14,000 था लेकिन 14,000 रख नहीं सकते ना हम, क्योंकि उसका बने ही 6,000 रहा है, तो हमें कितना रखना होगा? 6,000। तो टोटल इस पे एडवांस ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा 12,000, समझ में आ रहा है? और इसके बाद इसका अलॉटमेंट काटने के बाद भी जो एडवांस बचा वो कहाँ चला गया? कॉल पे। तो कॉल पे चला गया तो यहाँ क्या आएगा? 8,000। तो ये लो आप मैच कर लो इसको, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक है, यानी यहाँ पे, और नॉर्मली जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते तो वो पता है एरर क्या करते हैं, ये कॉल्स इन एडवांस को लिखना भूल जाते हैं वो, और उसके जगह पे सारा पैसा कहाँ डाल देते हैं वो? अलॉटमेंट। और बैंक के जब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो वहां भी यही चला देते हैं, जिससे क्या होता है उनका आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। ठीक है, अब मैं एंट्री करूँ किसकी? अब मैं एंट्री करता हूँ अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना? और कितने से आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई थ्री 30,000। किसी को डाउट? अब यहां बैंक में पैसा आना है, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे आना 30,000 है, लेकिन एडवांस का तो पैसा आएगा नहीं, एडवांस कितना आएगा हमारा? 12,000। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते तो पता है आप यहाँ कितना लिखने वाले थे? आप यहाँ 20,000 माइनस करने वाले थे। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते तो कितना कर देते? जिसके वजह से आपका आंसर क्या होता? गलत।
ध्यान रखना है इस पॉइंट को, 50% से ज्यादा डिफरेंस वाली बात को। और एक कोई फेल भी है क्या यहाँ? बिल्कुल एक फेल है, लेकिन कितने अमाउंट देने में फेल हुआ ये तो हम अभी बता नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वर्किंग नोट? रीजन बताओ। क्योंकि फेल जहां हुआ वहां पे क्या है? एडवांस। तो इसका वर्किंग नोट मैं इधर कर देता हूं, इसका वर्किंग नोट चलो यहां कर देते हैं। वर्किंग नोट वर्किंग नोट कहते हैं। कौन है ये? राम है। तो क्या दे रखा है? अप्लाई। तो अप्लाई बाय राम कितने अप्लाई करे भाई? राम ने 100। तो हमें निकालना होगा अलॉटेड, अलॉटेड टू राम। बताओ कितने अलॉटेड होंगे? हमें रेशो तो बताओ पहले, तभी तो बताएंगे। तो रेशो हमारा है 10:7। हाँ जी, रेशो 10:7। तो ये क्या है? अप्लाई दे रखा है ना, तो डिवाइडेड बाय अप्लाई में 10 और इंटू में, यानी 70 शेयर इसने अप्लाई किए थे, और सॉरी अलॉटेड था। तो इसका मतलब इसकी अब सारी के सारी कैलकुलेशन हमें अलॉटेड से करनी पड़ेगी, और अलॉटेड कितना है? 70 शेयर। इसका ध्यान रखना है आपको, मैं अलग से लिख रहा हूं। अब जितनी कैलकुलेशन जाएगी किससे जाएगी? 70 शेयर से करेंगे। चलो इसके आगे की बात करते हैं। टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव कितने रिसीव करे भाई इसने? टोटल अमाउंट इसने रिसीव किए 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 रुपए। एडजस्ट कितना हो गया? एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, मैंने बोला राम भाई आपको तो 70 शेयर ही दिए जाएंगे और 2 रुपए के हिसाब से 140 काट लिए जाएंगे, तो बचे कितने? 160। कितने? हाँ सिर्फ कितने बचे? 60। वो गलती हो गई। अब इसके बाद इसको मैंने बोला राम एक काम करो आप ले आओ पैसे, किस पे? अलॉटमेंट पे। लेकिन राम कहता है बताओ कितने पैसे हुए? मैंने बोला 70 × 3, ज्यादा नहीं, 210 रुपए लाना है। ये बोलता है सॉरी मैं नहीं दे सकता, फेल हो गया। कितने रुपए देने में फेल हो गया? 150 रुपए देने में फेल हो गया। इसका मतलब यहां पे बैंक में 150 रुपए और नहीं आने वाला, ठीक है ना? बैंक में 150 रुपए और नहीं आने वाला। चलो इसका मतलब बैंक में कितने पैसे होंगे? 18,000, 17,850। तो यहां पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, 17,850 मैंने ये लिख दिया, समझ में आ जाएगा? 17,850 कैसे आए? क्लियर है? यहां पे मैं लिखूंगा अब एडवांस ऑन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट चल रहा है ना, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। कितने एडवांस थे? 12,000। और कॉल एरियर ऑन, एरियर ऑन अलॉटमेंट थोड़ा आगे पीछे हो गया ये, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। और कितने लिखे? 150। और 2 शेयर अलॉटमेंट पूरे 30,000। बताइए किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, क्लियर? ये वर्किंग नोटिस का है, ये लो मैं इसके लिए आराम से आपका आपको समझ में आ जाएगा। ये किसके लिए करा है मैंने? ये करा है मैंने कैटेगरी नंबर किसके लिए? 3, राम के लिए, ठीक है? अब फाइनल कॉल की एंट्री मांग ले। मैं फाइनल कॉल की एक यहां एंट्री करूंगा, एक यहां एंट्री करूंगा, आप सही से नोट करना सीक्वेंस में, ठीक है? तो शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हरिंदर पीछे से देखना इसमें आ रहा है या रिकॉर्डिंग में? अरे उसमें सामने डिस्प्ले में देखो, डिस्प्ले में। हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो रहने दो। ठीक है, कितने आ गए हमारे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितने? 5, यानी 50,000। हर बच्चे को क्लियर है 50,000? ये अब बात करते हैं बैंक में, क्योंकि सबसे ज्यादा झंझट तो बैंक में ही आता है। अब बैंक में जब रिसीव करने जाएंगे, यहां मैं रिसीव कर रहा हूं बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, जब बैंक में मैं रिसीव करने गया तो मुझे रिसीव करना है टोटल 50,000,
लेकिन इसमें से एडवांस नहीं आएगा, 8000 एडवांस नहीं आएगा। माइनस में एरियर, ये एरियर होगा या नहीं होगा, आगे कंटिन्यू फेल होगा तो इसका भी एरियर आएगा। कितने शेयर के पैसे, कितने रुपए नहीं आएंगे, 70 शेयर के 5, 350। आप ऐसा मत कर देना 100 × 5 तो गलत हो जाएगा, कितना आएगा आपका 350। और माइनस करते हैं यहां पे, अब माइनस ये भी फेल हुआ है, इसके भी नहीं आएंगे, कितने शेयर है इसके 100, किस कैटेगरी से है, फर्स्ट वाले में तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं जाएगा, तो इसके कितने नहीं आएंगे 500। और देखते हैं दूसरे का, इसका भी फेल है, इसका भी नहीं आएगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अब चेक करो क्या इसका एडवांस है, है। कहां के लिए एडवांस है, फाइनल कॉल के लिए, अलॉटमेंट के लिए तो पूरा ही था, और फाइनल कॉल के लिए क्या इसका वर्किंग नोट करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा, अप्लाई अलॉटेड जो हमने देखा था वो इसका भी करना पड़ेगा। चलिए यहां करता हूं मैं, इसके लिए कैटेगरी नंबर 4 के लिए कौन है ये, इसका नाम क्या है, नाम नहीं बताया, नाम इसका रख देते हैं सोहन, सोहन। अब देखो यहां पे होल्ड करता है, होल्ड का मतलब अलॉटेड टू सोहन, टू सोहन कितने शेयर 200, तो अप्लाई कितने होंगे 200, सर रेशो देखो क्या है 9:2, तो डिवाइडेड बाय 2 इनटू में 9, 900 के हिसाब से सारा कैलकुलेशन, टोटल अमाउंट रिसीव 1800 रुपए, लेस एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन एडवांस 1400 एडवांस आ गया। अब कहां पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे, तो इसके अलॉटमेंट पे कितने कट गए होंगे 200 इंटू में 3, और एडवांस कितना रह गया, समझ आ रहा है। अब इससे फिर फाइनल कॉल का भी पैसा मांगेंगे, मैंने बोला कॉल ऑन फाइनल पे 200 × 1000, लेकिन ये पैसे तो दे नहीं रहा, तो कितने फेल हो गया देने में 200। अब मेरे से क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछते हैं, सर आपने क्या इसका भी तो यहाँ पे ऐसे किया था ना, तो इसका यहाँ भी ऐसा करना जरूरी नहीं है क्या? मैं क्या जवाब दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जरूरी है, क्योंकि इसका एडवांस हमारा नहीं है, मेन कंसेप्ट किसका है यहाँ पे, एडवांस का कंसेप्ट है, ना कि फेल यहाँ हो गया तो रट्टाफिकेशन के हिसाब से नहीं करना कि उसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए 200, तो 200 माइनस करते हैं, 50,000 में से आपका 8,000 माइनस होगा, और 8,000 में से आपका 5 × 2 = 7 और 3, 9,000 माइनस कर देते हैं, तो 40,000, 40,500 आएगा ना, या 650, देखो चेक करो, 9,000 माइनस हो गया ना, 3 × 7 और 3 = 10, ठीक है। अब यहां दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस 8,000, और बताओ क्या दिखाएं, कॉल्स इन एरियर कितने दिखाऊं, 350, 500, 1,000, ये 950 आएगा, क्यों, अच्छा 950, ठीक है। अब यहां पे कितना लिखेंगे, 3, 5, 8, 2, 10, 1,050, और टू शेयर फाइनल कॉल पूरे 50,000। क्या क्वेश्चन समझ में आया, इसके अंदर दो बातें हमने सीखी, एक तो ये है कि सर यहां पे तो आपने अलॉटेड निकाल के इससे एंट्री कर रहे हो, यहां पे भी तो आपने अप्लाई निकाला है, मैंने बोला बिल्कुल निकाला है, जो कि 900 आया है, आप अगली एंट्री इससे क्यों नहीं कर रहे। हमेशा याद रखना एंट्री किससे किया जाता है, अलॉटेड से, जितने मिले हैं उससे कैलकुलेशन, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे और क्या सोचते हैं, अच्छा कैलकुलेशन करके जो आता है हम उसी से करते हैं, आगे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, जिससे उनका गलत हो जाता है। समझ में आया यहां तक, चलिए अब फटाफट से इसको नोट करिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे एंटायर बैलेंस वाला।
मैंने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन इसके अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं ऐड करूंगा। क्या? ऑथराइज कैपिटल है, इशूड है, एप्लीकेशन रिसीव है। अप्लाई 1000 वाले को फुल, 10000 वाले को जीरो, 10000 वाले को 7000, लेकिन अब 14000 वालों को कितने दे दिए मैंने? अब मान लेते हैं एक पर्सन मिस्टर राम, ये हमारा मिस्टर राम है, ये होल्ड करता था 700 शेयर, वो फेल हो गया। कहाँ फेल हुआ? अलॉटमेंट पे, और जो कि बिलोंग करता था इस कैटेगरी से। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं आगे। एक और पर्सन था यहां पे, राहुल, जिसके पास 500 शेयर होल्ड करता था, वो दे गया एंटायर बैलेंस। एंटायर का मतलब समझते हो? एंटायर बैलेंस इसका मतलब सारा पैसा दे गया। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है, भैया कहां पे दिया इसने सारा पैसा? ये अलॉटमेंट के टाइम पे देके गया, जहां मैं जिसके नीचे बना रहा हूं कैटेगरी वहीं पे मानना। कहां दे गया? ये अलॉटमेंट पे। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता था? इसकी कैटेगरी बताते हैं, अभी रुको, आपको कैटेगरी बताते हैं। इसका कैटेगरी है फर्स्ट से, समझ में आएगा। चलो अब यहां पे भी एक पर्सन ले आते हैं, और यहां पे क्या हुआ? राम राम फेल हो गया ना, कोई बात नहीं। राम गिवन, आपका कॉल सिनेरियर, राम पेड इंक्लूडिंग, मतलब राम जो फेल हो गया था पहले, अब जैसे ही फाइनल कॉल पे पहुंचा तो उसने बोला, भाई कि मैं अपना पैसा पुराने वाला भी हिसाब किताब चुकता कर रहा हूं और अब वाला भी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, यानी कैलकुलेशन देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। पहले वाले में तो फेल होता था, लेकिन यहाँ पे फेल भी हुआ और दे के भी चला गया, ऐसा एक एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो अब इसका हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई इसका तो डिफरेंस कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन, इसका डिफरेंस कुछ नहीं है। इसका डिफरेंस है तो इसका पैसा एडवांस गया होगा, कहां तक गया होगा? अलॉटमेंट पे। और इसका भी डिफरेंस है तो इसका पैसा, डिफरेंस बहुत डिफरेंस है इसमें तो, फाइनल, और मे बी शायद रिफंड भी करना पड़ जाए, तो हम इसका देखते हैं एक बार। चलो एक बार तसल्ली के लिए आपके कैटेगरी नंबर, आपके तसल्ली के लिए कैटेगरी नंबर 4 की कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाले का, थर्ड वाले का तो पता ही अभी किया था हमने। ठीक है, फोर वाले का देखते हैं। टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव 14000, 28000 एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, 2000 मल्टीप्लाई 2, 4000 बचे इसके बाकी 24000। कॉल ऑन अलॉटमेंट, दो हजार मल्टीप्लाई दो तीन, 6000 बचे 18000। कॉल ऑन फाइनल कॉल, दो हजार इंटू में 5, ये आ गया 10000, और 8000 अब क्या करें? क्या क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड फोर्थ कैटेगरी वाले का पैसा रिफंड करो? नहीं बोला, लेकिन फिर भी क्या होगा? इसको डायरेक्ट भी पता कर सकते थे। कैसे? देखो 2000 मल्टीप्लाई सारा मान ले तो 20 होना चाहिए, 2000 मल्टीप्लाई सारा 10 के हिसाब से 20, जबकि आए कितने हैं? 28, तो वैसे भी पता चल गया डायरेक्ट भी, तो आपको डायरेक्ट भी पता चल सकता है इसमें, ऐसा नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। ठीक है, अब एंट्री करते हैं हम स्टार्टिंग से। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं, और ये आएगा हमारा 35,000 इंटू दो। अब शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू एडवांस अलॉटमेंट, इसके बाद टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, बिल्कुल ठीक। कैलकुलेशन 70,000, 20,000, बैंक से वापसी 20 और 8, इसे भूलना नहीं है, यही एरर करते हो आप, क्योंकि आपने देखा कि भाई जिसको शेयर जीरो मिले उसके बैंक से वापस करने, लेकिन वो भी तो याद करो जिसके एक्स्ट्रा ले लिए सारे पैसे काटने के बाद उसके भी वापस करने, तो कितने होंगे आपके 28, 8 वो और 20 ये 28। एडवांस अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे एक तो इस पर्सन का एडवांस होगा, कितना होगा 3,000 इंटू में 3, डिफरेंस 3 है ना, तो 9,000 इसका एडवांस और 6,000 15,000 रुपए, और कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा भाई पूरे 10,000। चेक करिए मैच हो रहा है, मेरे हिसाब से मैच नहीं हो रहा, देखो एक बार, नहीं हो रहा, कितना था 3, 6,000 होगा इसका, 6,000 मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 होगा, और 6 और 6 12, अब हो गया, कोई डाउट नहीं। इस पॉइंट में क्या सीखा हमने, इसके अंदर ये सीखा कि बैंक से जो वापस हुआ है 28, जो बच्चा डायरेक्ट देखेगा वो तो परेशान हो जाएगा, भाई 10,000 इंटू में 2 20,000 होते हैं तो 28 कैसे हो रहा है, कर सकता है कि भाई गलत है ये। तो अब अगली एंट्री देखें, अलॉटमेंट, यहां पे ये फेल है, क्या वर्किंग नोट बनता है इसका, क्यों, किस कैटेगरी से है, ठीक है, क्या ये यहां से फेल हो सकता था, क्या ये इस कैटेगरी से फेल हो सकता था, सोचो, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सारा एडवांस दे रखा है, क्या ये क्या यहां पे कोई पर्सन इस कैटेगरी का फेल हो सकता है, तो एकदम वीआईपी कैटेगरी है जिसके अंदर सभी पर्सन ने क्या करा है, सारा का सारा पैसा दे रखा है, तो इस कैटेगरी का तो कोई फेल ही नहीं हो सकता, बल्कि इस कैटेगरी वाला तो पैसा वापस ला के दो। तो एग्जामिनर पूछ सकता है, इट इज पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल कैटेगरी नंबर 4 से कोई शेयर होल्डर फेल हो जाए फाइनल पे, तो आंसर आपका नो होगा वहां पे, एमसीक्यू का क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे हम आगे कौन से एंट्री करते हैं देखते हैं, करें एंट्री यहां पे, यहां पे एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री ध्यान से देखना, अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आज तो सिक्योरिटी प्रीमियम करा ही नहीं हमने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा आपका 10,000 इंटू में 3, लेकिन बैंक तो यहां पे 30,000 में से कितने एडवांस वाले कट जाएंगे 12,000, और एरियर वाले, इसका एरियर निकालते हैं, चलो ये एक बार और कर देते हैं, वैसे तो पिछले क्वेश्चन में किया ही था सेम, लेकिन अब अमाउंट भी चेंज हो गया, तो होल्ड अलॉटेड टू राम 700, और अप्लाई कितने होंगे, सात सौ डिवाइडेड बाय अलॉटेड का रेशो 7 और 10, 1,000 टोटल अमाउंट रिसीव, एक हजार मल्टीप्लाई बाय 2,000 एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 700 मल्टीप्लाई 2 एडवांस रह गया 600, चलो अलॉटमेंट पे, कॉल ऑन अलॉटमेंट 700 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं 3 2100
नहीं दिया 1500 एरियर, तो एक ये माइनस, कोई और तो फेल है नहीं। अब राहुल, राहुल भी है, राहुल कुछ अलग कर रहा है यहाँ पे। राहुल क्या कर रहा है, एंटायर बैलेंस दे रहा है, तो एंटायर बैलेंस अलॉटमेंट पे जब दे रहा है तो अलॉटमेंट की टेंशन नहीं है, दे अगला जो रहा है उसकी हिसाब किताब लगाएंगे। और इसके पास कितने शेयर थे, 500, जो कैटेगरी नंबर इससे बिलोंग करता था, तो 500 अगला पैसा देके गया होगा। एंटायर का मतलब सारा, सारा कौन सा, आने वाले का, करंट वाले का तो सभी देते हैं सारा, तो वो नई बात कौन सी है। अगर मैं बोलूं एंटायर बैलेंस दे गया तो कौन सा, अगले आने वाले कॉल का, करंट वाले का नहीं, तो करंट वाले का छोड़ो, अगले आने वाले का 2500, तो वो 2500 जो एडवांस दे रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना एंट्री में कैसे करेंगे हम, और आगे ले जाते हैं इसको। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा 18000 माइनस हो जाएगा, और 18 दो 20500 में से फिर माइनस होगा, तो 20500, 20000, 19000 यहां पे लिखेंगे एरियर। एरियर कितना आएगा ऑन अलॉटमेंट, 1500 एडवांस ऑन अलॉटमेंट, बताओ एडवांस ऑन अलॉटमेंट। यहां बच्चे गलत करते हैं और मुझे लगता है आप भी गलत कर दोगे, बताओ एडवांस ऑन अलॉटमेंट। और किसी का कोई आंसर, बैंक वाले चलो अभी उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। हाँ 12000 कंफर्म, ये पैसा भी दे गया एडवांस में, ध्यान दो। एडवांस ऑन अलॉटमेंट, किसी का आंसर अलग, चौदह हजार पांच सौ कितने बोलते हैं, एक 14500। तो देखो एडवांस ऑन अलॉटमेंट जो आएगा वो आएगा 12000। जब हम एडवांस रिसीव करते हैं ना तो कभी डेबिट नहीं होता, वो क्या होता है क्रेडिट शो होगा उसकी एंट्री, उसकी एंट्री क्या शो करेंगे, क्रेडिट। अब यहां मैं दिखाऊंगा टू शेयर अलॉटमेंट, पहले शेयर अलॉटमेंट कर दें, कितने का भाई 30000, और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 2500, चेक करो गलत है क्या, बैंक वाले गलत एंट्री है, 18 18 और 2 20 सही है एंट्री, अब हो गया सही। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। यहां पे एक नई चीज सीखी हमने कि जब कोई पैसा एंटायर बैलेंस दे जाता है तो कॉल्स इन एरियर जुड़ता तो है इसमें, लेकिन कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है, नीचे। अब देखो यहां भी एडवांस और यहां भी एडवांस, ये एडवांस डेबिट इसलिए क्योंकि खत्म हो रहा है, पहले क्रेडिट किया था अब यहां जाके खत्म हो रहा है, तो डेबिट, ये तो रिसीव किया है, जब खत्म करेंगे तब करेंगे डेबिट, और कहाँ खत्म करेंगे पता है, फाइनल कॉल के ऊपर जाके, फर्स्ट या फाइनल कॉल पे तब डेबिट करेंगे। यहां समझ में आया, चलो आगे देखते हैं, शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। यहां मैं दोनों एंट्री कर रहा हूं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने मांगेंगे, बोलेंगे भाई 10000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, 50000 दो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखें, आपकी समझदारी देखते हैं। बैंक में आना चाहिए 50000 माइनस एडवांस कितना, और है ढूंढो इसके अंदर, राम एरियर है, एरियर है कोई, कुछ बच्चे बिल्कुल न्यूटन बैठे हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है क्लास के अंदर। एरियर है कोई, क्योंकि राम एरियर था वो तो दे गया, तो उसके भी पैसे क्या होंगे, जब वो दे के जाएगा तो प्लस होना चाहिए, प्लस कितना होगा, राम के पास 700 शेयर, तो ये वाला तो पैसा दे ही रहा है, तो उसका हिसाब किताब थोड़ी लगाना है, पिछला दे के जा रहा है ना यहां वाला, तो 2100 प्लस करेंगे,
कुछ बच्चे सोचते हैं कि वहां देखे जा रहा है तो जहां देखे जा रहा है उसी को प्लस कर देते हैं, यानी 700 इंटू 5 3500 से कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो देखे पिछला पैसा देखे जा रहा है तो पिछला प्लस करें आप, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो ये कितने, हाँ 1500 कौन सा एडवांस वाला, पहले एडवांस भी तो है यहाँ पे, माइनस कर दूं मैं एडवांस, माइनस कितना कर दे, माइनस माइनस 10,000, ये भूल गए थे, ये रहा एडवांस, ठीक है। और क्या बोल रहे हो, और क्या बोल रहे थे, अभी कुछ बता रहे थे कोई, 2100 जो की जगह पे 1500, बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी इसका पहले एरियर कितना था, 1500 रुपए, यही मैं देखना चाहता था, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। अब आप ध्यान लगाओगे, एरियर दे गया, एरियर कितना दे गया, तो कुछ बच्चे जैसे मैंने करा वैसे आप भी करते अभी, जबकि इसका एरियर बाकी कितना था, कुछ और था, और वो आएगा हमारा 1500 रुपए, समझ में आया क्या, न्यू पॉइंट है ये, यानी 1500 रुपए इसका पिछला एरियर रिसीव हुआ है, जितना एरियर था उसके हिसाब से। अब चलो बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं, पहले तो हम कर दें एडवांस कॉल्स इन एडवांस, इसके बाद क्या कॉल्स इन एरियर डेबिट करें, किसी का है ही नहीं यहां पे एरियर तो डेबिट नहीं होगा। टू शेयर फाइनल और टू कॉल्स इन एरियर, अभी तक तो कॉल्स इन एरियर डेबिट देखा था, इसमें क्रेडिट कैसे हो गया, पुराने वाले जो देके जाएगा, पहले हमने एसेट्स मान के डेबिट किया था ना 1500, अब दे गया तो खत्म करो भाई, 30,000 50,000, अब एडवांस में कितना है हमारा, कॉल्स इन एडवांस है 2500, तो 2500 में ये कितना बच जाएगा हमारा, 49,000, 50,000, ठीक है, चेक कर लो आप, 50 में से आप माइनस प्लस करके 40, ये एडवांस भी था ना, इस एडवांस को भी डेबिट करना है तो ये होगा 12,500, ये कितना डेबिट होने वाला है, 12,500, ये देखो क्वेश्चन में, एक और पॉइंट हमने देखा क्वेश्चन में, डेबिट कितना हो रहा है 12,500 और ये आएगा 39, चेक करिए आप, कुछ बच्चे घूम गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के, तो एक बार ध्यान से देखो क्या माइनस किया क्या प्लस किया, तसल यहां वाला सारा एंट्री समझ में आया, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। देखो बैंक में पैसा कितना आना था 50, 50 में से एडवांस जो पहले मिल चुका है माइनस 1500 पिछला एरियर जो मिला है, और एक एडवांस तो वो वाला है जो कि स्टार्टिंग में ही मिल चुका था, वो बैंक में ही आ गया, कॉल्स इन एडवांस जो कि यहां पे हमने क्रेडिट किया है यहां डेबिट करके खत्म, कॉल्स इन एरियर कौन सा है ये जो कि पिछले बारे का हमें मिल गया, और फाइनल कॉल ये आ गया हमारा, और एडवांस में कितना दिखाया मैंने 2500 तो पिछली बार का और 10,000 उससे पिछली बार का जोड़ के, ठीक है। एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बोल देता है एग्जामिनर, ओपन अ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो देखो ओपन अकाउंट और प्रिपेयर अकाउंट दोनों में फर्क है, प्रिपेयर अकाउंट के अंदर हमें जो लेजर सिखाया गया है इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और ओपन अकाउंट का मतलब ओनली पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करते हो तो ओपन हो जाता है, तो क्या मैंने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जर्नल एंट्री में दिखाया है, यानी ओपन कर रखा है मैंने, अगर बोलता विदाउट ओपनिंग तो हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बस बैंक वाला अमाउंट पिक कर लेते और ये वाला अमाउंट पिक कर लेते और हमारा आंसर क्या हो जाता, कंप्लीट, सही है, सब सारा समझ में आ गया, अब एक बार फिर इसे नोट करिए आप।